हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। एनएचएम भर्ती 2019 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर 1400 से ज़्यादा पदों के लिए नई भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों, मेल हो या फीमेल, सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको कोई भी फीस भी नहीं देनी है, एकदम फ्री आवेदन आप कर सकते हैं। और 50,000 रुपए से ज़्यादा यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है कुछ पदों पर। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2019 है। वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर एनएचएम उत्तर प्रदेश से रिक्रूटमेंट 1400 प्लस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ है, जिसका रिफ्रेश नंबर ये दिया हुआ है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है और 1400 से ज़्यादा इसके यहाँ पर पद निकाले गए हैं। तो चलिए डिटेल्स मैं आपको कुछ देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का यहाँ पर पद है। इसके लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, कंप्यूटर में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको होना चाहिए 12 मंथ का कम से कम, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टैली सॉफ्टवेयर का, ठीक है। जिसके लिए 86 पद निकाले गए हैं, 22,325 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज 40 तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो पद है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत सारे हैं। फीस ड्यूम डिपार्टमेंट का है। फिर इसके बाद इसके लिए 6 पद हैं, जिसके लिए आपको 16,500 सैलरी, मैक्सिमम आयु 40 वर्ष। फिर यहाँ पर डेंटल सर्जन का है, यहाँ पर 19 पद, 62 आपकी एज मैक्सिमम हो सकती है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 39,900 रुपये इसके लिए सैलरी दी जाएगी। बैचलर होना चाहिए आपको डेंटल सर्जन के उसमें कोर्स में, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित डेंटल जो काउंसिल का कोर्स होता है वो सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे ही 52 यानी कि 52 नंबर पर जो पोस्ट है वो डायरेक्ट डेटा कम अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। बीकॉम होना चाहिए इसके लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, 4 पोस्ट हैं, मैक्सिमम आयु 45 वर्ष, 18,150 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जा रही है। जनरल मैनेजर के हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर के हैं, ऐसे ही बहुत सारे पद हैं जिसके लिए आपको 80,000 रुपये तक सैलरी मिल सकी है। और सभी यानी कि सभी प्रकार के क्वालिफिकेशन की यहां पर पोस्ट दी गई है। मैंने बीच में पोस्ट छोड़ दी है सभी, क्योंकि 50 यानी कि 56 पोस्ट हैं, 50 से ज्यादा पोस्ट हैं। अगर सभी पोस्ट के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं कुछ को मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, जिससे आप आसानी से सभी पोस्ट को देख सकें और सभी की क्वालिफिकेशन को यहां पर आप देख पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 10 अक्टूबर 2019 से शुरू हो जाएंगे और 30 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। जिसके लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए 33% सीटें यहां पर रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 24% यहां पर सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। तो रिजर्व सीटें हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यहां पर आवेदन करने के लिंक साथियों ये है www.upnhm.gov.in। इससे आप क्लिक करके 10 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2019 है। इसके लिए कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों, मेल फीमेल, सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो आप आवेदन करें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए।